उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, जिसे लेकर सभी पार्टियां जीत की कवायद में जुट गई है। अखिलेश यादव इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं आर और पार की इस लड़ाई के मद्देनजर वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। आवारा जानवरों के हमले से हो रही मौतों में नंबर 1 यूपी, नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1, और अगर किसी और में नंबर 1 बना हो तो बताइए। दूसरों का काम अपना बनाने में नंबर 1, रंग बदलने में नंबर 1, नाम बदलने में नंबर 1, और गन्ने के बकाया में नंबर 1। ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 1,00,000 न जाने कितने हजार करोड़ रुपया भुगतान किया है किसानों का, हर जगह जाते हैं, कभी कभी ये कहते हैं कि 2012 से लेकर के 2017 तक चीनी मिल बिकती थी। मैं आज जानना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 2017 में समाजवादी सरकार ने और हमने कौन सी चीनी मिल बेची थी, और अभी भी किसानों का बकाया है, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1। सिंचाई फंड में और सब बर्बाद करने में नंबर 1। नकली शराब से हो रही मौतों में देश में नंबर 1। और राजनीतिक द्वेष की भावना से केस बनाने में, लगाने में, घर गिराने में, बुलडोजर चलाने में नंबर 1। और नक्शा पास हो ना हो, सरकार ने तय कर लिया तो आपका घर टूट जाएगा। सरकार और सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों को मिलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1। अगर अपना कार्यकाल भूल गए हो तो अपने कार्यकाल को याद कर लें, तो उनको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। हमारी सरकार में बड़े बड़े गुंडे अपराधी जो सपा के संरक्षण में पलते बढ़ते थे और आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे बेचैनी होगी। अगर नहीं याद है तो उसको याद कर ले, सब ठीक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update.